Thank you very much, Honorable Speaker, sir, for giving me the opportunity to speak about mobile services in rural and scheduled areas. As per the report, over 77,000 employees in BSNL have opted for retirement, voluntary retirement. BSNL's total strength is 1,50,000. It means more than 50% staff are going out. My question to the Honorable Concerned Minister, how the BSNL can be run with 50% staff? Second question, what are the steps being taken to overcome this situation? Third question is there any chance to the unemployed youth to get more jobs in the BSNL in near future? माननीय मंत्री जी एक छोट में जवाब दे दें। माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी छोट में जवाब पूरा सवाल सर मैं ये सदन में सवाल पूछते थे हमसे बार बार कि बीएसएनएल लिमिटेड को कब जिंदा करेंगे, हम उनको जिंदा करने की कोशिश। अच्छा आप जरा शांत रहिए ना, बैठिए आप सर। वी आर गोइंग टू रिवाइव बीएसएनएल एंड मेक इट प्रॉफिटेबल। आई वॉन्ट टू एश्योर दिस हाउस एंड गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस। माननीय सुषेणवार, माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर माननीय सदस्यों की सूचना प्राप्त हुई है। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण है, तथापि इनके लिए आज की कार्रवाई में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसर पर उठाया जा सकता है, इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव